बोलो अंबे मात की जय। मुझे बताइए सीजल, अम्बे माँ को कब याद नहीं करती है? मेरी दिन की शुरुआत अम्बे माँ से होती है और सोते वक्त भी अम्बे माँ ही होती हैं मेरे साथ। बट राइट नाउ मैं अम्बे माँ से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी सासू माँ जो हैं वीरा जी उर्फ सर जी, उन्हें उनकी करतूतें उन्हीं पर भारी पड़ जाए। मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ अम्बे माँ को कि इनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन हो जाए बस। आई एम ग्लैड आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बिकॉज़ हमारे राइटर्स और मेकर्स सभी का ये मानना है कि बहुत टाइम से ऑडियंस रुकी है सेहान का, आई मीन सेजल और योहान का रोमांस देखने के लिए, एंड दैट टाइम हैज़ फाइनली कम। हमारे अब आने वाले कुछ एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा रोमांस है, हम काफ़ी क्लोज आने वाले हैं, काफ़ी हमारे बीच में बैरियर्स हटने वाले हैं और आगे जाकर इन फ्यू एपिसोड्स हमारा कॉन्जुमेशन सीन भी है। सो येस, रोमांस इज़ ब्रूइंग नाउ। बहुत कुछ बहुत मेजर प्लॉट ट्विस्ट्स है और जैसे वो कहते हैं ना, सारे सबका भांडा फूटता है चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो। मैंने अपनी स्टार्ट से अब तक की जर्नी में इतने झूठ बोले हैं मेरे मिशन के लिए, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती, मैं स्पाई हूँ। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें अब मुझ पर भारी पड़ रही हैं, अब वो सारी चीज़ें मुझ पर पलटवार हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे ही बोले गए झूठ मुझ पर भारी पड़ने वाले हैं आगे के एपिसोड में, और उसकी वजह से क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे ज़्यादा प्यार देते हैं और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे शो को इतना प्यार देते हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। बोलो अंबे मात की जय।